हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं टमाटर की ऐसी चटपटी सी चटनी जिसके आगे आपको दाल सब्जी भी फीकी लगने वाली है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 3 टमाटर, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। और इसे किसी जाली की सहायता से आग पर हम अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो टमाटर की बहुत सारी अलग अलग रेसिपी बनती है, बहुत तरीके से चटनी बनती है, पर एक बार आप ज़रूर इस तरीके से सभी चीज़ों को भून कर ये चटनी बनाकर देखिए, बहुत ही अलग सा फ्लेवर आएगा। बहुत ही चटपटी सी चटनी बनती है ये। तो टमाटर को भूनने के बाद हमने लहसुन और मिर्च को भी भून लिया है। मिर्च भी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा, जैसा तीखा खाते हो उतना ले सकते हैं। और उसके बाद अब हम 1 से 2 प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे। और सभी चीज़ें जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसे हम अच्छे से छील लेंगे। पानी से धोना नहीं है, बस छील कर रख लेना है। और उसके बाद या तो आप इसे चाकू से बारीक से काट लीजिए, या डालिए किसी मिक्सर जार में और पल्स मोड पर रोक रोक कर मिक्सी को चलाएंगे तो इस तरीके से दरदरी कुटी हुई से ये मिलेगी। तो प्याज, लहसुन, मिर्च सभी चीज़ों को हमने कूट लिया। निकाल लेते हैं इसे किसी बोल में और उसी मिक्सर जार में डाल देंगे ये टमाटर भी। और 1 से 2 बार बस रोक कर मिक्सी को चलाएंगे तो ये दरदरा कूटा हुआ सा हमें मिल जाएगा। पीसना नहीं है टमाटर को, अगर टमाटर पीस देंगे तो इसका सारा फ्लेवर चला जाएगा। तो बस मिक्सी को रोक रोक कर थोड़ा सा चलाएंगे तो दरदरा कूटा हुआ सा मिलता है। अब डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा नींबू का रस। नमक डालने के बाद डालेंगे 1 चम्मच तेल भी। और अब डाल देंगे हम इसमें नींबू का रस। तो अगर आप देसी वाली टमाटर से चटनी बनाएंगे तो उसमें नींबू नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक अलग सी खटास होती है। पर ये जो सलाद वाले टमाटर होते हैं इसमें खट्टापन नहीं होता, तो इसमें हम नींबू डालते हैं तभी इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा चटपटा सा होता है। और ये जितना भी लहसुन, प्याज, मिर्च हमने डाल रखा है सभी का टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो नींबू डालने के बाद इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स और बस रेडी है टमाटर की एक गजब की चटपटी सी चटनी। सभी चीज़ों को हमने भून करके तब इसे बारीक से कूट कर बनाया है, तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा चटपटा, बहुत ही अच्छा सा आता है, एक सौंधा सा फ्लेवर होता है। इसे आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो रेसिपी लगी हो अच्छी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर। आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और टमाटर की बहुत सारी रेसिपी तो बनाई होगी, पर एक बार ज़रूर इस तरीके से सभी चीज़ों को भून कर इसकी ये चटनी बना करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो रेडी है हमारी ये टमाटर की गजब की चटपटी सी चटनी, जो कि बहुत ही आसानी से बन गई है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब रोज़ नई रेसिपी के लिए।